नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे अपने मासिक कार्यक्रम मन की बात में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। वहीं हम आज अपने इस बुलेटिन में बात करेंगे सरकार की सभी गतिविधियों की के तीन चरणों में खोलने के लिए अनलॉक वन जो शुरू किया गया उसमें क्या क्या दिशा निर्देश हैं उसके बारे में जानेंगे। वहीं स्कूल कॉलेज खोलने के संबंध में गृह मंत्रालय ने राज्यों को क्या कुछ कहा है उसके बारे में भी बात करेंगे। और कोरोना को लेकर देश में क्या स्थिति है, क्या आंकड़े हैं, उन पर भी नजर डालेंगे। वहीं अमेरिका में जो इतिहास रचा गया है, स्पेस एक्स नासा का ह्यूमन स्पेस मिशन लॉन्च हुआ है, उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए देखते हैं आज की अहम खबर। और पहली खबर, सबसे पहले उसका रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे अपने मासिक कार्यक्रम मन की बात में देश और विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 65वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क और आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर उपलब्ध रहेगा। सरकार ने जारी की हैं अनलॉक वन से जुड़ी गाइडलाइंस। आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाना है सबसे ज्यादा फोकस। 8 जून से मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, होटल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थल खुलेंगे, जबकि स्कूल कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थानों को खोले जाने पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से होगी चर्चा और सबकी राय लेने के बाद इन संस्थानों को खोलने पर जुलाई में फैसला होगा। अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा, मेट्रो, सिनेमा, जिम, स्विमिंग पूल 30 जून तक बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियों पर 30 जून तक जारी रहेगी रोक। तो ये हैं गाइडलाइंस इस संबंध में। और इसके बारे में और बात करने के लिए हमारे संवाददाता सुधाकर दास हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधाकर, अनलॉक वन अब इसके बारे में जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं, क्या कुछ इसमें खास है? बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर हम एक तरह से कह सकते हैं कि जब पिछला गाइडलाइन जब जारी किया गया था तो कंटेनमेंट जोन के आसपास काफी ज्यादा फोकस था। एक तरह से उस वक्त ही ज्यादातर गतिविधियों की अनुमति दी गई थी, लेकिन जिस तरह से नाम से ही जाहिर है अनलॉक वन एक तरह से इसको नाम दिया गया और एक आर्थिक गतिविधियों को एक तरह से कह सकते हैं लगभग पूरी तरह से खोलने की कोशिश है इसके जरिए, और कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी तरह की गतिविधियों की इजाजत मिल जाए, इस तरह का एक ऐलान किया गया है जो 1 जून से 30 जून के लिए ये लागू रहेगा। निश्चित तौर पर कुछ चुनिंदा, बहुत ही चुनिंदा गतिविधियों पर रोक है, जैसे इंटरनेशनल ट्रैवल, और उसके कई कारण भी है क्योंकि कई देशों ने अपने जो इंटरनेशनल ट्रैवल से जुड़ी हुई चीजों को अभी ओपन नहीं किया है। तो मेट्रो रेल या फिर सिनेमा हॉल्स हो, थिएटर्स हो, या फिर कोई बड़े कार्यक्रम पर, पॉलिटिकल हो, धार्मिक हो, इस तरह के कार्यक्रमों पर पाबंदी। लेकिन इसके अलावा कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी तरह की, हर तरह की गतिविधियों को करने की छूट रहेगी, और काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तरह से मूवमेंट को लेकर कुछ जरूर परेशानियां हो रही थी जब 17 मई को चौथा चरण लागू किया गया था। अब मूवमेंट को भी लेकर एक तरह से अनरिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट हो सके बिना रोक टोक के, राज्यों के भीतर भी और राज्यों के बीच भी, इसके लिए भी अनुमति दे दी गई है, तो काफी महत्वपूर्ण है। और सीधे तौर पर एक तरह से जो आर्थिक फोकस, जो आर्थिक तौर पर तेजी से गतिविधियां चले उसको ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। और तेजिंदर, इस फैसले की वजह भी आप कह सकते हैं, 17 मई को जब 18 मई से जो चौथा चरण शुरू हुआ था और आज तक अगर उसकी बात करें तो लगभग तमाम गतिविधियों के खुलने के बावजूद भी हमने देखा कि उस तरह से, एक तरह से विस्फोट केसेस का अगर कहें तो वो नहीं हुआ। देश के जरूर 13 शहर हैं जहां 70% मामले हैं, वहां उन शहरों को छोड़ दिया जाए तो अमूमन देश में तमाम चीजें कंट्रोल में रही। इन 13 शहरों में भी कोशिश की जा रही है कि सिचुएशन को कंट्रोल में लाया जाए और कई शहर इस पर अच्छा काम भी कर रहे हैं। ऐसे में लंबे समय तक इसको बंद रखने का कोई मतलब नहीं था, और एक तरह से कह सकते हैं ये सरकार का एक ग्रेडेड एग्जिट प्लान है। लेकिन निश्चित तौर पर धार्मिक स्थल की बात करें तो 8 मई से वो खुलेंगे, लेकिन स्कूल कॉलेज और इस तरह के शिक्षण संस्थान, उनके लिए अनुमति मिल तो गई है, लेकिन सरकार ने राज्यों को चिट्ठी लिखकर ये कहा है कि आप जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, खासतौर से जो अभिभावक हैं बच्चों के, उनसे इंटरेक्शन कीजिए, उनसे बातचीत कीजिए, उनकी मंशा जानिए, आप केंद्र को बताइए, उस लिहाज से फिर फैसला होगा। और उसके अलावा
जो बची हुई गतिविधियां हैं अगले 30 दिनों में, एक तरह से कह सकते हैं 30 जून तक किस तरह की पूरी स्थितियां बनती है, उसके आधार पर बची हुई अगर कोई गतिविधि है तो उसको लेकर भी फैसला किया जा सके। निश्चित तौर पर कंटेनमेंट जोन में वही सख्ती रहेगी। नाइट कर्फ्यू का जरूर वक्त घटा दिया गया है, सवेरे 9 शाम में 9 बजे से लेकर सवेरे 5 बजे तक, पहले 12 घंटों का होता था, 8 घंटे का रहेगा। कंटेनमेंट जोन में गतिविधियां सीमित रहेगी, चुनिंदा प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर कह सकते हैं 98-99% चीजें बिल्कुल पूरी तरह से खुल गई हैं। और निश्चित तौर पर देश के लिए ये कह सकते हैं काफी अहम पड़ाव है, और एक सही मायने में इसको अनलॉक वन कहा जा सकता है, और एक हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं, क्योंकि एक सच्चाई है जब तक वैक्सीन नहीं आता है तो ये हमारा न्यू नॉर्मल रहेगा। सावधानी के साथ, संयम के साथ हमको आगे बढ़ना, और ये संदेश सरकार का है। तेजिंदर, बिल्कुल सुधाकर, देखा जाए तो जिस तरह से धीरे धीरे आर्थिक गतिविधियां शुरू होनी हमने देखा था, पिछले लॉकडाउन में ही कुछ जगहों पर राहत दी गई थी, लेकिन अगर अब देखा जाए तो जैसे आप कह रहे हैं कि अब ज्यादातर चीजों को राहत मिलने की उम्मीद है या राहत मिल रही है, तो ऐसे में कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा और इस अनलॉक वन से जिनको सीधा सीधा फायदा पहुंचेगा? देखिए, पिछली बार जो पिछले अगर गाइडलाइंस से आप तुलना करें तो दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी गई थी, लेकिन उसमें कहा गया था कि जो अलग अलग समय में खोले, और कई राज्यों ने इस तरह की व्यवस्था की थी, जैसे दिल्ली की बात की जाए तो ऑड इवन कुछ दुकानें आज खुलेंगी, कुछ दुकानें कल खुलेंगी, तो इस तरह के जो रिस्ट्रिक्शंस है वो हटा लिए गए हैं। लेकिन बार बार ये जरूर कहा जा रहा है कि जो गाइडलाइंस है सोशल डिस्टेंसिंग के, फेस मास्क लगाने के, उस तरह के गाइडलाइंस का बिल्कुल सख्ती से पालन होना सुनिश्चित किया जाए, ये राज्यों से जरूर कहा गया है। इसके अलावा तमाम तरह की जो गतिविधियां, क्योंकि अब कुछ गतिविधियां जिसमें स्विमिंग पूल है, जिमनेजियम है, इंटरटेनमेंट पार्क है, थिएटर है, बार है, जो अन्य तरह की कुछ पॉलिटिकल गतिविधियां, स्पोर्ट्स की गतिविधियां जिसमें बड़ी गैदरिंग हो सकती है, उनको छोड़ दिया जाए, तो अब किसी भी या कोई भी गतिविधि को करने पर पाबंदी नहीं रहेगी। तो ये बड़ा फैसला है, और इससे एक तरह से एक क्लैरिटी भी रहेगी कि अब ये 4-5 चीजें हैं, इनको अगर छोड़ दिया जाए तो हर तरह की गतिविधि संयमित तरीके से, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को फॉलो करते हुए, हाइजीन के नॉर्म्स को फॉलो करते हुए ये गतिविधियां की जा सकेंगी। तो एक तरह से ओपनिंग अप है, आर्थिक तंत्र को पूरी तरह से खोल दिया गया है, और पिछले दुनिया के तमाम देशों की तरह हमारे देश के लोगों को भी इसके चलते दिक्कत हुई, लेकिन हमने देखा कि जिस तरह से भारत ने पूरा जो अपना प्लान बनाया मार्च से लेकर अब तक, जो ये संयमित तरीके से लॉकडाउन को लागू किया गया, फिर धीरे धीरे एक तरह से उसमें ढील दी गई, इसकी वजह से अब तक हमने इसको नियंत्रित करके रखा हुआ है, और हमारा करीब 48% तक रिकवरी रेट पहुंच गया है। तो इस लिहाज से अच्छे रिकवरी रेट को देखते हुए जो हमारी कैपेसिटी है, अगर कुछ पेशेंट्स बढ़ते भी हैं, उन पेशेंट्स को एडमिट करने की जो हमारी क्षमता है उसको देखते हुए, और साथ ही साथ जो पिछला जो एक्सपीरियंस रहा पिछले 12-13 दिनों का, उस एक्सपीरियंस को देखते हुए, और ये निश्चित तौर पर संकेत जाता है कि अगले 30 दिनों में क्या स्थिति बनती है उस पर भी सरकार की जरूर नजर रहेगी। और लिहाज से अगले तीसरे चरण की जो बात की जा रही है, जो बची हुई गतिविधियों को लेकर फैसला है, तो उस पर भी फैसला किया जा सकेगा। तो नजर बनाते हुए एक तरह से अर्थतंत्र को तेज करने के लिए ये बहुत बड़ा फैसला हुआ, और अनलॉकिंग एक तरह से उसकी शुरुआत हो गई है, बड़ी शुरुआत हुई है, और हमको लगता है कि ज्यादातर चीजें एक तरह से अनलॉक हो गई है, और अब लोगों की ये बड़ी जिम्मेदारी है कि वो संयमित तरीके से, समझदारी से, एक तरह से क्योंकि खतरा खत्म नहीं हुआ है, तो उसको मानते हुए, भांपते हुए कदम आगे बढ़ाए, और जो एक आजादी सरकार की तरफ से दी गई है उस आजादी का सम्मान भी करें, अपनी दिनचर्या चलाए, जिंदगी चलाए, लेकिन निश्चित तौर पर खुद सुरक्षित रहे ताकि देश को भी सुरक्षित किया जा सके।
जी हाँ बिल्कुल, अगला एक महीना बेहद अहम रहेगा और जिस तरह से हमने पिछले लॉकडाउन में भी देखा था काफी गतिविधियों को छूट दी गई थी और आपने रिकवरी रेट की भी बात की जो काफी अच्छा है भारत में, लेकिन अब जैसे आपने भी कहा अब जिम्मेदारी लोगों पर बहुत ज्यादा होगी क्योंकि एक चीज लोगों को ये जरूर, हम सबको ये जरूर सोचना है कि ये बीमारी अभी खत्म नहीं हुई है, ये है वहीं पर। हम आर्थिक गतिविधियों को शुरू कर रहे हैं लेकिन ये मानते हुए कि जो सब हमने फॉलो किया है लॉकडाउन 1, 2, 3, 4 में, तो उसको देखते हुए हमारी बहुत ज्यादा जिम्मेदारी इस दौरान है कि अगर जरूरी नहीं है तो घर से बाहर ना निकले, मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करें, इस सब की बहुत ज्यादा जरूरत शायद अब है। जी बिल्कुल। और तेजिंदर, कई लोग ये सवाल भी पूछते हैं कि जैसे मामले बढ़ रहे हैं ऐसे में सब कुछ खोलने का क्या। देखिए, इस पर नजर है सरकार की, बहुत पैनी नजर है। चाहे जो लॉकडाउन पहला था, दूसरा, तीसरा या चौथा चरण जो लगातार रहा और धीरे धीरे जो ढील दी गई उसमें, केसेस पर बिल्कुल सरकार नजर बनाए हुए है। पूरी स्थितियों के आकलन के बाद हम अगर सीधे तौर पर अगर बात करें तो फिलहाल करीब 86-87 हज़ार एक्टिव केसेस हैं देश में, और इसमें से 70% केसेस देश के 13 शहरों में हैं, जिसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, इंदौर, इस तरह के, कोलकाता, हावड़ा, इस तरह के तमाम शहर हैं। यानी 60 हज़ार करीब एक्टिव मामले उसमें से इन शहरों में। अगर इनको छोड़ दिया जाए जहाँ खासी संख्या में कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं और वहां सख्ती से पालन हो रहा है, तो बाकी देश में इस तरह की कोई चिंता नहीं है। ये तमाम चीजों को ध्यान में रखा गया और इन 13 शहरों के लिए एक फोकस प्लान भी बनाया गया और लगातार केंद्र राज्यों के साथ संवाद करके इन कंटेनमेंट जोन को ग्रीन जोन में कैसे बदला जाए उसके लिए ये कोशिश भी कर रहा है। तो निश्चित तौर पर काफी अहम जी रहेगा कंटेनमेंट जोन के नियमों का पालन करने का। तो साथ ही साथ कोई और जो ग्रीन जोन है वो किसी तरह से इस तरह की स्थिति में ना आए, उसके लिए लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, उन बहुत पर बड़ी संयमित जिम्मेदारी यहां व्यवहार बहुत पर आवश्यक। लोगों की भी रहेगी और जिस तरह से अनलॉक 1 के दिशा निर्देश आए हैं काफी गतिविधियां जो हैं ज्यादातर वो खुल गई हैं, लेकिन बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम सब की भी है कि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और ये बीमारी ज्यादा ना फैले, इसका ध्यान रखें, खुद भी सुरक्षित रहें और अन्य लोग भी सुरक्षित। बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर हमारे साथ ये जानकारी बांटने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। वंदे भारत अभियान पूरे जोरों से चल रहा है, इसका दूसरा चरण 13 जून तक जारी रहेगा। सरकार की दूसरे चरण के अंत तक 60 देशों से 1 लाख से ज्यादा प्रवासी भारतीयों को वापस लाने की योजना है। सरकार ने बताया कि अब तक करीब 47,000 भारतीय स्वदेश लौट चुके हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि कुल 3,08,200 लोगों ने अपरिहार्य कारणों से भारत लौटने के लिए विदेश स्थित भारतीय दूतावासों में पंजीकरण कराया है। वंदे भारत मिशन के दूसरे चरण के दौरान 60 देशों से 429 एयर इंडिया के विमानों को भारतीयों को वापस लाया जाना है। विदेश मंत्रालय के अनुसार इस मिशन में अब निजी विमान कंपनियों को भी लगाया गया है। भारतीयों को देश वापस लाने के लिए चार्टर्ड विमानों की भी सेवा ली जा रही है। भारतीय नौसेना की मदद से 4 खेपों में ईरान, श्रीलंका और मालदीव्स में फंसे भारतीयों को वापस लाया जाएगा। कोविड के खिलाफ मजबूती के साथ खड़े देश के लिए कल का दिन राहत भरी खबर लेकर आया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक 24 घंटों के भीतर सक्रिय मामलों में पहली बार कमी दर्ज की गई है। इसके साथ ही कोरोना के मरीजों के ठीक होने की दर में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक शुक्रवार से शनिवार के बीच में सक्रिय मरीजों की संख्या 89,987 से घटकर 82,369 हो गई है। गौरतलब है कि शुक्रवार को 1,26,842 नमूनों की जांच की गई और 24 घंटों के भीतर 11,264 मरीज ठीक हुए। एक दिन के भीतर अब तक ठीक होने वाले मरीजों की यह संख्या सबसे ज्यादा है। मरीजों के ठीक होने की दर अब 47.40% हो गई है, जो पिछले दिन के 42.89% से 4.51% ज्यादा है। देश में कोरोना के मामलों के दोगुना होने की दर में भी गिरावट दर्ज की गई है। 30 मई से पहले मामलों के दोगुना होने की दर 14 दिन में 13.3 थी, जो पिछले 3 दिनों के दौरान 15.4% हो गई है। कोरोना से मरने वाले लोगों की दर 2.86% है। देश में कोरोना मरीजों के लिए समर्पित 942 अस्पताल हैं।
अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने शनिवार को एक नया इतिहास रचा। एजेंसी ने पहली बार एक निजी कंपनी स्पेस एक्स के अंतरिक्ष यान से अपने दो अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए सफलतापूर्वक रवाना किया। नासा ने इस मिशन को क्रू डेमो 2 और रॉकेट को क्री ड्रैगन का नाम दिया। इससे नासा के अंतरिक्ष यात्री रॉबर्ट बेनकिन और डगलस हर्ले लगभग 19 घंटों में ISS पहुंचेंगे। भारतीय समय अनुसार शनिवार रात करीब 1 बजे रॉकेट ने कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी। 21 जुलाई 2011 के बाद पहली बार अमेरिकी धरती से कोई मानव मिशन अंतरिक्ष में भेजा गया है। स्पेसक्राफ्ट की लॉन्चिंग अमेरिका के सबसे भरोसेमंद रॉकेट फाल्कन 9 से की गई। पहले ये लॉन्चिंग 27 मई की रात को होनी थी, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से इस मिशन को टाल दिया गया था। इस प्रक्षेपण के साथ ही अमेरिका में कमर्शियल स्पेस ट्रेवल के एक नए युग की शुरुआत हो गई है। अमेरिका से पहले रूस और चीन ऐसा कर चुके हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी कैनेडी स्पेस सेंटर में इस ऐतिहासिक प्रक्षेपण के गवाह बने। ट्रंप ने लॉन्चिंग को अतुलनीय बताया। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान to go up vertical. The launch abort auto sequence. Operators also. Okay, on the weather, we still have some rain showers moving. Zero. Ignition. और नासा के इस कामयाबी पर हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ रहे हैं ललित कुमार झा जी। बहुत बहुत स्वागत है ललित जी आपका। एक बड़ी कामयाबी कह सकते हैं, जिस तरीके से एक प्राइवेट कंपनी ने ये एक कोशिश की और ये सफल हुई। जी, ये बहुत बड़ी कामयाबी है मानवता के, मानव जो स्पेस में अंतरिक्ष में जाने का उसका जो इतिहास रहा है उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मील का पड़ाव है ये। किसी पहली बार कोई प्राइवेट कंपनी एस्ट्रोनॉट्स को लेके अंतरिक्ष में गई है। जी, किस तरह से इसको देखते हैं कि आने वाले वक्त में ये जो एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, इससे किस तरह के बदलाव की हम उम्मीद कर सकते हैं और आगे क्या कुछ सोच सकते हैं? इसके अपॉर्चुनिटीज और जो आगे संभावनाएं हैं असीमित हैं। ट्रैवल टूरिज्म जो एलोन मस्क ने पहले भी कहा है उसकी एक बड़ी संभावना है। जो जिन कंट्रीज के पास ये कैपेबिलिटीज नहीं है वो कंट्रीज इनकी सर्विसेज को लेके अंतरिक्ष में अपनी सैटेलाइट्स और इंसानों मानव को भेज सकते हैं जिससे कि वो अपनी रिसर्च वगैरह कर सकते हैं। जी, तो कमर्शियल स्पेस ट्रेवल में एक नए युग की शुरुआत हम इसको कह सकते हैं। किस तरह की परेशानियां इस कंपनी को आई इस सब को करने के लिए और किस तरह से उन पर पार पाया गया इस बड़ी कामयाबी को हासिल करने के लिए? ललित जी, ये जो प्रोसेस है जो इससे पहले जो राष्ट्रपति ट्रंप से पहले के जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन, उनका ये विजन था कि नासा को कई कई चीजों में प्राइवेटाइज करना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना चाहिए। ये जो यूएस में एक इकोसिस्टम है जिसमें कि हर हर चीज में, हर रिसर्च में, हर डेवलपमेंट में वो प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करते हैं, ये उसी का एक पार्ट है। इसके तहत उन्होंने कई बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन कंपनीज को रिसर्च में और बाकी चीजों को प्रोग्रेस करने के लिए फंड किया। उसका एक नतीजा है करीब 6 से 8 सालों के बाद कि एलॉन मस्क की कंपनी आज अपने लोगों को, नासा के एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेज रहा है। इसके साथ साथ वो नासा 3-4 और कंपनियों को प्रमोट कर रही है, उसके साथ कोलैबोरेट कर रही है अंतरिक्ष में। बोइंग है, लॉकहीड है, आप देखेंगे कि छोटे लेवल पे नासा ने कई भारत के भी कुछ प्राइवेट कंपनियों के साथ कोलैबोरेशंस स्टार्ट किया है। जी ललित जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो कह सकते हैं कि अमेरिका में इस कमर्शियल स्पेस ट्रेवल के साथ एक नए युग की शुरुआत हो गई है। और आइए अब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मासिक कार्यक्रम मन की बात के जरिए करेंगे देश की जनता के साथ संवाद। कार्यक्रम का आकाशवाणी और दूरदर्शन के चैनलों पर होगा प्रसारण।
सरकार ने सभी गतिविधियों को तीन चरणों में खोलने के लिए जारी किए अनलॉक वन से जुड़े दिशा निर्देश। कंटेनमेंट जोन के बाहर और गतिविधियां होंगी शुरू। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तय करेंगे कंटेनमेंट जोन। 1 जून से लागू होंगे दिशा निर्देश। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा रात्रि कर्फ्यू। अनलॉक वन के तहत रेस्टोरेंट, होटल, मॉल्स और धार्मिक संस्थान खुलेंगे 8 जून से। अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाएं, मेट्रो सेवा, सिनेमा हॉल, जिम और स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान खोलने पर जुलाई में दूसरे चरण के तहत होगा विचार। हालात की समीक्षा के बाद तीसरे चरण की तारीख पर होगा फैसला। स्कूल और कॉलेजों को खोलने के संबंध में गृह मंत्रालय ने राज्यों को कहा करें परामर्श और दें फीडबैक। कहा राज्य के अंदर और राज्यों के बीच लोगों की आवाजाही पर नहीं होगा कोई प्रतिबंध। मंत्रालय ने कहा आवाजाही संबंधित पाबंदियों की राज्य सरकारों को देनी होगी पूरी सूचना। देश में कोरोना के खिलाफ जंग में अच्छी खबर। वायरस के सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर हुई 86,422। 82,369 लोग हुए इलाज के बाद ठीक। रिकवरी रेट बढ़कर हुआ 47.40। विश्व भर में कोविड 19 के मामले करीब 7 लाख, 3.67 लाख से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका ने रचा इतिहास। 2 नासा एस्ट्रोनॉट्स के साथ स्पेसएक्स नासा का ह्यूमन स्पेस मिशन लॉन्च। करीब 1 दशक में अमेरिकी धरती से ये पहला ह्यूमन स्पेस मिशन लॉन्च। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।